पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए इस ओर इशारा किया कि यह नरेंद्र मोदी के विवाह की तस्वीर है। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह आपको किसी भी नजर से बाल विवाह नजर आ रहा है। बाद में स्वाति चतुर्वेदी ने अपना यह ट्वीट चुपचाप डिलीट भी कर लिया। असल में नरेंद्र मोदी की एक शादी एक मिस्ट्री भरा टॉपिक रहा है और इसके बारे में साफ साफ तब मालूम चल सका जब 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग को चुनाव के वक्त दिए जाने वाले शपथ पत्र में अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी दी थी। ये वायरल तस्वीर असल में इससे पहले भी ऐसे ही दावे के साथ शेयर हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी इसे 2014 में ट्वीट किया था। उनका ट्वीट तो इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक ट्विटर पर मौजूद भी है, जबकि उन्हें उनके ट्वीट के अगले ही दिन एबीवीपी के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आशीष चौहान ने ये बताया था कि वो जो जानकारी दे रहे हैं गलत है। आशीष ने अपने ट्वीट में जो बताया है असल में वो भी आधी अधूरी जानकारी है और उन्होंने इस तस्वीर में दिख रहे नवविवाहित कपल का नाम गलत बताया है। विकिपीडिया पर यह तस्वीर क्रॉप करके नरेंद्र मोदी और जशोदा बेन के नाम से अपलोड की गई है। हालांकि विकिपीडिया पर यूजर्स ही कंटेंट अपलोड करते हैं, इसलिए इसे विकिपीडिया का काम नहीं कहा जा सकेगा। हम आपको इस तस्वीर की सच्चाई बताते हैं। असल में तस्वीर एक विवाह समारोह की है जहां अल्पा और उत्पल वांकावाला की शादी हुई थी। ऑल्ट न्यूज ने इस तस्वीर के बारे में खोजना शुरू किया तो हमें यह फेसबुक पर मिली। केयूर हेमंत चपतवाला ने इसे अपलोड करते हुए लिखा था कि यह तस्वीर उनकी बहन अल्पा की शादी की है जो कि 1994 में हुई थी। उन्होंने ये भी लिखा कि वो ये फोटो इसलिए अपलोड कर रहे हैं क्योंकि इतने सालों बाद लोग इस तस्वीर को देखते हुए नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बातें कर रहे हैं। हमने केयूर हेमंत चपतवाला से बात की, उन्होंने फोन पर भी इस बात की पुष्टि की। ये शादी 14 जुलाई 1994 को हुई थी और उस वक्त अल्पा के पिता हेमंत चपतवाला राज्यसभा सदस्य थे। केयूर ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि शादी में नरेंद्र मोदी, फकीर भाई चौहान और भाजपा के अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे।